चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई गाए जाए जलता जा। महमूद साहब क्या हुआ? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। महमूद साहब आपसे उधार मांग के आपको रंजीदा कर दूँ? अरे तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अरे हुआ क्या है, आप इतने खुश क्यों हैं? ये देखो नबील, आपके हाथ को क्या हुआ है महमूद साहब? अरे मेरे हाथ में देखो क्या है। ये क्या? अरे नबील मुझे अवार्ड मिला है, अवार्ड। और यार महमूद साहब आप भी पता नहीं कचरे में क्या क्या ढूंढते रहते हैं। अबे ये मुझे कचरे से नहीं मिला। फिर कहाँ से मिला? अरे मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है नबील। खुदा को माने महमूद साहब, पता नहीं किस कबाड़िए से उठा के ले आए हैं। अरे नबील मेरी फिल्म हिट हो गई है। क्या महमूद साहब, उस दिन जो आप शेव कर रहे थे मैंने फिल्म बनाई थी वो आपने रिलीज कर दी है? अरे चुप कर महमूद साहब, मुझे लगता है आज आपको ज्यादा रोजा लग रहा है। वो जो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है वो रोजा है। हाँ जी, जब तो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कौन सी फिल्म, कहाँ की फिल्म? अरे भूल गया, मैंने फिल्म में काम किया था। ओ खुदा का नाम माने महमूद साहब, आपने ख्वाब देखा होगा, घर में कोई काम तो होता नहीं है आपसे, फिल्म में कहाँ से काम कर लेंगे आप? हीरो का नबील, हीरो का। ओ महमूद साहब खुदा का नाम माने यार, आपने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा बल्कि बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, चाहे मेरा रोजाना खराब करे। अरे तुझे क्या पता है अवार्ड क्या होता है, तुझे तो कभी धुएं के लिए भी अवार्ड नहीं मिला। महमूद साहब, अरे आज मेरे बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई है। मामो मामो, यार कहीं खुशी में ना मर जाए महमूद साहब। हेलो हेलो बेबी, मेरा डांस कर। मामो मामो, आप आ गए। अरे देखो मैं क्या लाया। ये क्या है रियाज? महमूद। ये महमूद है? अरे महमूद मैं हूँ। तो जब एक महमूद था तो आप दूसरा क्यों ले आए? अरे ये अवार्ड है मोमो, अवार्ड। ना तो मैं इसका क्या करूँगी भला। अरे मोमो देखो तो। तू तो आराम से खड़ा रह। अरे इसको अलमारी में लॉक करके रखना। हाय मेरे बच्चे का तो अलमारी में दाम ही घुट जाएगा। अरे इस अवार्ड को अलमारी में रखना मोमो। मुझे भी दिखाए ना प्लीज। अरे मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ यार, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने आपको मेरा बच्चा नहीं कहा, अपने बच्चे को मेरा बच्चा कहा है। अरे तुम्हारे बच्चे ने ख्वाब में क्या किया तुम्हें पता है? अभी पूछती हूँ उससे। लोए लोए। अरे मेरे ख्वाब में। ये आपके ख्वाब में कैसे चला गया? अरे इसने मेरा अवार्ड तोड़ दिया है मोमो। हाँ? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अपना अवार्ड ना पेट पर रखकर मत सोया करें। क्या है अब आपको दिखाई कैसे देगा? आप एक काम करें, ये ले मेरा अवार्ड पहन ले। अरे मैं चश्मे की बात नहीं कर रहा, अवार्ड की बात कर रहा हूँ। कौन सा अवार्ड? अरे वो जो मुझे ख्वाब में मिला था ना। आपको ख्वाब में क्या, देर तक सोने का अवार्ड मिला था स्लीप? महमूद, आपको महमूद का अवार्ड मिला था? ओह तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खबरदार जो आपने अब सोने की कोशिश की हो। सैरी का टाइम हो गया, उठे मुँह हाथ धोए आप। अच्छा यार। सफिया, क्या हुआ माँ जी, क्या घर में चोर घुस आए हैं? आए हमारे घर में चोर घुस आए हैं क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ माँ जी। और नहीं पुत्र, आप इस घर में बच्चे ही क्या, चोर आके ले जाएंगे। तो फिर आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? कब? माँ जी आप दरवाजा बजा रही थी ना। हाँ तो तू सो रही थी क्या? नहीं माँ जी, मैं स्विमिंग कर रही थी कमरे में। ना घर में पहले ही पानी नहीं है, तू इस तरह पानी जाया कर रही थी है? माँ जी मैं सो रही थी स्विमिंग करते हुए। क्या हुआ, आप क्यों आई हैं स्विमिंग करने? नहीं माँ जी आपने मुझे उठाया क्यों है? चल अब उठ गई है ना, तो जल्दी से सहरी बना दे मेरा बच्चा। मैं सहरी बनाऊँ और आप क्या करेंगी? तू जब तक सहरी बनाएगी ना, मैं थोड़ी देर और सो लूंगी ना। चल जा शाबाश, मुझे ना सहरी बना के जगा देना। नबील नबील, क्या हुआ जानू? नबील मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी माँ जी से यार। ओके जानू बाय। नबील क्या हुआ यार? मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, तुम्हारी माँ की शिकायत कर रही हूँ। अब क्या कर दिया माँ जी ने? तुम मुझे कह रही है कि सहरी बनाओ और खुद सोने चली गई हैं। तो क्या हुआ जानू, तुम उठी हुई तो बना दो सहरी। उठी हुई तो माँ जी भी है। ओ यार माँ जी बूढ़ी हो गई है खूबसूरत, कुछ तो उनका ख्याल करो। वो तुम्हारी माँ है नबील, अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है ना तो सहरी तुम बना लो। खूबसूरत चिल्लाओ मत, तुम करते क्यों पूरा दिन
सारा दिन तुम पड़े रहते हो घर में और ये बिस्तर तोड़ते हो। तुम्हारे पापा ने इतना कमजोर बेड दिया क्यों है जानू? Shut up नबील, जाओ जाके सहरी बनाओ। ओके जानू, अगर पहले ही इतने प्यार से कह देती तो मैं सहरी बनाने पहले चला जाता। नबील, तुम्हें पता है रात को मैंने क्या ख्वाब देखा? यार मैं मुझा चुप करे यार, सहरी करे नाम से। चलो मैं खूबसूरत को सुना देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मोमो पर सुना देता हूँ। मोमो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? भाई मैं महमूद बोल रहा हूँ। महमूद सर? सर मैं इरफान बोल रहा हूँ। कौन इरफान? अरे सर आपकी फिल्म का असिस्टेंट। मेरी फिल्म का? हाँ सर, मैं दो दिन से आपके फोन पे ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आपका फोन बंद आ रहा है। अरे भाई मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। हाँ सर, वो आपको डायरेक्टर ने फिल्म के लिए साइन किया था ना, तो बस आपको इन्फॉर्म करना था कि परसों से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ सर, आज शाम को आप तैयार रहिएगा। किस बात के लिए? हाँ सर, वो आज आपको हमारे ऑफिस से गाड़ी लेने आएगी ना, आज स्क्रिप्ट रेडी होगी। ऐसा करें अफ्तार से पहले रख रहे, तो मेरा ख्याल है घर में कुछ खास है नहीं। अरे डोंट वरी सर, आप इफ्तार मैडम के साथ ही करेंगे। कौन मैडम? अरे आपकी हीरोइन मैडम रीमा। और कौन? रीमा। ओके सर, फिर शाम को मिलते हैं। ओके बाय। रीमा मोमो, क्या हो गया नसीर? अरे मेरा नाम महमूद है यार। ये तो बड़ा आम सा नाम है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? अरे मैं अपने नाम पर खुश नहीं हो रहा। फिर? मेरी किस्मत खुल गई है मोमो। वो तो मुझसे शादी करने के बाद ही खुल गई थी। अरे वो बात नहीं है यार। हाँ तो फिर क्या बात है? मुझे फिल्म मिल गई है मोमो, फिल्म। मेरा ख्वाब पूरा हो गया मोमो। कौन सी फिल्म मिली है? अरे रीमा की फिल्म मिली है, रीमा की। हाय सच्ची, आए ना चले अंदर चल के देखते, मैं भी बड़ी देर से बड़ी बोर हो रही थी। अरे कहाँ जा रही हो मोमो? फिल्म देखने। कौन सी फिल्म? ले आप ही ने तो खुद कहा है कि रीमा की फिल्म मिली है, तो चले ना अंदर बैठ के आराम से देखते हैं। अरे मुझे फिल्म में रोल मिल गया है, रोल। खबरदार, वैसी रोल खा खा के आप गोल हो गए। मैं, अरे यार मुझे फिल्मों में एक्टिंग का चांस मिल गया है। क्या? हाँ नबील, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। महमूद साहब माजी को चीख चीख के बता रहे थे कि उन्हें फिल्म में चांस मिल गया है। ये कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता नबील? जानू हमारे यहाँ ना ही तो कार्टून फिल्में बनती है ना ही हॉरर, फिर महमूद साहब को चांस कैसे मिल गया? नबील तुम भूल रहे हो कि हमारे यहाँ कार्टून और हॉरर फिल्में ही बनती हैं। और ये नहीं पूछोगे कि फिल्म में महमूद साहब के साथ है कौन? कौन है? रीमा। क्या? महमूद साहब को जब से पता चला है पूरे घर में नाचते फिर रहे हैं। बंद करेंगे नाच गाना, आपको शर्म आनी चाहिए, आप रोजे में नाच रहे हैं। अरे मैं रोजे में नहीं, मैं खुशी में नाच रहा हूँ। किस बात की खुशी है? अरे फिल्म में काम मिल गया मुझे, वो भी सुपरस्टार रीमा के साथ। ओ बस कर दे महमूद साहब, और बूढ़े मर गए इस मुल्क में जो आपको रीमा के बाप का रोल मिल गया है। चुप है, खबरदार जो मेरे मियाँ की बिस्ती मुंह पे करने की कोशिश की हो तूने उसके। हाँ, और मैं उसके बाप बाप का रोल नहीं कर रहा, उसके बॉयफ्रेंड का रोल कर रहा हूँ। ओ महमूद साहब चेक कर ले कहीं जंजालपुरे वाली रीमा तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, असली वाली रीमा है। आपको फिल्म कैसे मिल गई यार? अरे बुलबुले शुरू होने से पहले ना मैंने लाहौर में एक फिल्म डायरेक्टर को अपनी तस्वीरें भिजवाई थी, हो सकता है उसे पसंद आ गई हो। ओ बस कर दे महमूद साहब, आप माँ जी को बड़ी मुश्किल से पसंद आए थे, फिल्म डायरेक्टर को कहाँ से पसंद आ गए? मुझे लगता है नबील की भूख और प्यास की वजह से महमूद साहब का दिमाग खराब हो गया। महमूद साहब का जो खराब हुआ है वो दिमाग है? हाँ। चुप है, तुम सब लोग मेरे मियाँ से जलते हो, और तुझे तो एक फिल्म के बाद दूसरी नहीं ना मिली, इसीलिए तू बड़ा वो हो रहा है। माँ जी वो क्या? वही जो इसे हो रहा है असद, हसद। हाँ इसे आपसे ना हसद हो रहा है असद। माँ जी अब छोड़ो मोमो, हम कमरे में चलते हैं।
आओ मोमो, यहाँ बैठो मेरे पास। ये लीजिए, बैठ गई आपके पास। मोमो, तुम्हें पता है आज मेरे ना बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई है। तो ये आपकी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास बैठूं? अरे नहीं यार। तो फिर? अरे मैं बचपन से ये चाहता था कि मैं हीरो बनूं। हैं? आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया मोमो। ये ख्वाब है खालद? महमूद। ये महमूद है? अरे महमूद मैं हूँ यार। हाँ तो मैं आप ही से तो पूछ रही हूँ। मोमो अब तुम देखना हमारे दिन कैसे बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? अरे मोमो अभी मुझे एक फिल्म मिली है, फिर मुझे दूसरी फिल्म मिलेगी, फिर मुझे तीसरी फिल्म मिलेगी, और फिर फिल्म में ही फिल्म में। वशो वशे, फिर हम दोनों मिलके ना फिल्मों की दुकान खोल लेंगे। अरे मोमो उसके बाद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। अरे लोग मुझे कास्ट करने के लिए मेरे घर के बाहर लाइनें लगाकर खड़े होंगे। फिर तो हमारे पास बड़ी वो भी होगी। वो क्या? वो जो मेरे बहू के अब्बे के पास है। तोंद? नहीं तोंद नहीं, वो जिससे बंदा अमीर हो जाता है। दौलत? हाँ फिर तो हमारे पास बड़ी दौलत भी होगी। अरे दौलत की रेल फेल होगी। हमारे पास रेल भी होगी। अरे रेल क्या, हमारा अपना जहाज होगा वो। हाँ फिर वो जहाज हम अपने लोहे को दे देंगे कि जाके लॉन में उड़ाए। महमूद साहब। करियो पुष्पा। पुष्पा? अब हमारा नाम महमूद नहीं है रे। फिर क्या है? हमने अपना फिल्मी नाम महेश खन्ना रख लिया है रे। ये आप कर क्या रहे हैं? अरे हम अपनी फिल्म के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं रे। महमूद साहब ये सब बाद में कर लीजिएगा, पहले जाके इफ्तारी का सामान ले आएं। अरे जानती है तू ये बात एक सुपरस्टार से कर रही है रे। आज हम इफ्तार अपने यूनिट के साथ रीमा के हाथों करेंगे रे। और हम क्या करेंगे? ओ गरीब लोगो, ये लो 5,000 रुपए, बाजार से जाके इफ्तारी ले आओ रे। What? अरे ओ पुष्पा, ए बाकी पैसों से गरीब और मस्कीन लोगों को रोजा खुलवा देना, और हमारी फिल्म की बहुरत के लिए दुआ करवा देना रे। जाओ पुष्पा जाओ, हमें डिस्टर्ब ना करो, हम रिहर्सल कर रहे हैं रे। नबील, नबील। क्या है जानू? यार मुझे लगता है कि महमूद साहब फिल्म मिलने की खुशी में वाकई पागल हो गए। जानू क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? क्या मतलब? आज से 19 साल पहले मैं फैसलाबाद से फिल्मों में काम करने के लिए आया था, मुझे तो कोई फिल्म मिली नहीं है, और उन्हें घर बैठे बैठे फिल्म भी मिल गई है। सिर्फ फिल्म ही नहीं मिली है, मुझे लगता है उन्हें एडवांस भी मिल गया है। क्या? हाँ, और वो हमसे छुपा रहे। तुम्हें कैसे पता चला? नबील उन्होंने आज की इफ्तारी के लिए ये 5,000 रुपए मेरे हाथ में रखे, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? जानू इसका मतलब है मुझे महमूद साहब को घेरना पड़ेगा, वो ये फिल्म अकेले नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नबील, नबील इफ्तारी का सामान तो ले आओ। महमूद साहब। ए भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, देख नहीं रहे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है? और नहीं तो ये क्या है? ए भाई। ओ यार महमूद साहब आपको पाकिस्तानी फिल्म की ऑफर आई है, इंडियन की नहीं है। हाँ आप पाकिस्तानी फिल्मों के सीन की रिहर्सल करें प्लीज। यार नबील अरे मैंने तो अभी तक कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी ही नहीं। मैंने तो देखी है ना महमूद साहब, मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। वो जो तुम मुझे करवाओगे वो तैयारी होगी? हाँ जी तकरीबन, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? आप मुझे एक रोल दिलाएंगे? बस इतनी सी बात। अरे ये लो 1,000 रुपए, और जाओ जाके जितने रोल और समोसे खाने हैं ले आओ। यार महमूद साहब मैं खाने वाले रोल की बात नहीं कर रहा, फिर फिल्म में रोल की बात कर रहा हूँ। अरे तुमने शक्ल देखी है अपनी? हाँ? अरे तुम्हारा मुंह तो फिल्मों में आने वाला है ही नहीं, वरना तुम्हारी फिल्म फतह हिट ना हो जाती। तुम सिर्फ ड्रामों में ही काम कर सकते हो, अपनी औकात में रहो। महमूद साहब। अरे क्या है यार? यार आप मुझे अपना मैनेजर ही रख लेना। एक शर्त पे। क्या? पहले मुझे रिहर्सल करवाओ। ठीक है महमूद साहब। आप एक काम करें, माँ जी को बुलाएं और लॉन में चलें। ये हुई ना बात। ए भाई ये चीज। ओ यार महमूद साहब एक जगह टिक जाएं यार, आपको जमीन गर्म लग रही है। माँ जी आप क्या कर रही हैं? आप साइकिल में हवा भर रही हैं? पता नहीं मैं बड़ी नर्वस हो रही हूँ। और माँ जी इस सीन में आप नर्स नहीं है, डॉक्टर है। डॉक्टर? नबील मेरे ख्याल में ये नर्वस बोलने की कोशिश कर रही है। हाँ पता नहीं मैं बड़ी नर्गस हो रही हूँ। ओ माँ जी खुदा का वास्ता यार नर्गस ना बने, क्यों बुलबुले बंद कराने हैं आपने? नबील यार मुझे सीन तो दो। हाँ देखिए ये देखिए। ये किसे लिखवाया यार? ये हमारे सोने ने लिखा है महमूद साहब। क्यों? अली इमरान ने क्यों नहीं लिखा? ओ यार महमूद साहब जैसा वो लिखता है उससे बेहतर कहीं सोना लिख लेता है। हाँ ये तो है। हाँ तो चले ना फिर। ठीक है। हाँ यार नबील जल्दी शुरू करना।
कर रहा हूँ राइटर है ना राइटर। अरे लेकिन नबील इसमें तो लिखा है कि मैं घोड़े पे बैठ के अस्पताल में दाखिल होता हूँ। ओ यार महमूद साहब गोली मारे घोड़े को यार। अरे पहले घोड़ा तो आए फिर गोली भी मार दूंगा। और जब तक घोड़ा नहीं आता मैं सीन नहीं करूंगी। ओ माँ जी अब मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं? कोई नहीं चल फिर ये गधा ही ठीक है। मेरी माँ हस्पताल से आईसीयू चे जे अनु कुछ होया ते मैं अस्पताल दी हिट नल हिट बजा लिया। वाइस ता बोल ए हस्पताल है ते थे ऑपरेशन भी होन देने जे तू बात शोर मचाया ते मैं तेनू तैस नास कर देंगी। डॉक्टर डकू काट। वाह वाह इतना बुरा स्किन किया आप लोगों ने वाह। मैं हूं साहब अफ्तारी कर ले। अफ्तारी का टाइम हो रहा है। अरे अफ्तारी तो मैं रीमा के साथ करूंगा। ठीक है महमूद साहब फिर आते हुए ना रीमा का नंबर जरूर लेके आइएगा। अरे चुप कर आप चीप लोग। अरे अब तो मैं खुद स्टार हूँ रीमा से नंबर मांगता अच्छा लगूंगा मैं। मैं जूते के नंबर की बात कर रहा हूँ महमूद साहब। मजाक कर रहा हूँ मजाक। महमूद साहब बोलिएगा मत आपकी हर फिल्म में मेरा 2% कमीशन होगा। मुझे तुम्हारा 2% होगा वो कमीशन होगा। हाँ जी अच्छा जी। लेकिन यार नबील मुझे गाड़ी नहीं आई अभी तक लेने के लिए। आपने एड्रेस तो सही लिखवाया था ना। अरे एड्रेस तो मैं लिखवाना ही भूल गया। क्या? हाँ यार अब क्या करूँ? कुछ नहीं यार उन्हें फोन करें। उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। ओ यार मैं मुसा फोन की सीएलआई पे देख लें और रीडायल मारें और उनको एड्रेस लिखवा दें। हाँ ये ठीक है गुड आइडिया। हाँ चले चले शाबाश। हेलो जी मैं महमूद बोल रहा हूँ। कौन महमूद? कमाल करते हैं आप। आपकी फिल्म का हीरो। हीरो? वो असिस्टेंट डायरेक्टर इरफान साहब की कॉल आई थी लेकिन गाड़ी नहीं भेजी उन्होंने अभी तक। तो भाई तुम भी पागल हो क्या? जी भाई ये पागल खाने का नंबर है। क्या? हाँ वो इरफान हमारा पेशेंट है। पहले फिल्म प्रोड्यूसर था। जब से उसकी फिल्म फ्लॉप हुई है वो बेचारा पागल हो गया है। 10 साल से इलाज चल रहा है उसका। ये क्या कह रहे हैं आप? देखें प्लीज आप रोएं मत। वो रोज ऐसी 10-12 कॉल्स करता है और सबको फिल्म की ऑफर देता है। जी क्या हुआ मामू साहब? आलमीर मुझे पागल खाने से फिल्म की ऑफर आई थी। क्या? चलो कोई नहीं मामू साहब पकड़ ले यार दिहाड़ी है ना। चल नबील। ओके मामू साहब। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते